आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर ले लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2019 का एग्जाम दिया है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आज 27 दिसंबर 2019 को सीटेट दिसंबर एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर बहुत ही आसान तरीके से अपना सीटेट का रिजल्ट जो है देख सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं, आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इस प्रकार से आप अपना सीटेट का रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूँ इसी प्रकार से आपको एजुकेशन से रिलेटेड एडमिट कार्ड वैकेंसी या रिजल्ट से संबंधित आपको जानकारी हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसके लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आपको ले चलते हैं सीधा सीटेट की मेन साइट के ऊपर। तो दोस्तों, आप जौन सा भी मोबाइल यूज करते हैं उसके अंतर्गत आपको गूगल का न्यू पेज ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है सीटेट। दोस्तों, आपको ये साइट जो है आपको टाइप करनी है, आपको लिखना है स्मॉल अक्षर में ctat.nic.in। जैसे ही आप ये साइट टाइप करेंगे तो आप इस तरीके से सीटेट की जो मेन साइट है वहाँ पे आप इस तरीके से आ जाएंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से सीटेट का जो मेन पेज है वो ओपन होगा। आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आपको लेके आना है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है, इस ग्रीन पट्टी में आपको यहाँ पर न्यू के नाम से सीटेट रिजल्ट दिसंबर 2019 आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2019। नीचे आपको यहाँ पर एंटर योर रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपके अपने रोल नंबर इनपुट करने हैं। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है, सब कुछ आपके सामने लाइव मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर आपको इनपुट करना है। तो दोस्तों, सब कुछ मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव बताता हूँ। तो आपको उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट देख सकते हैं, रोल नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी आप देख सकते हैं SC। उसके बाद आप यहां पे लेवल में के अंतर्गत आप देखेंगे पेपर वन यानी कि 1 से 5 तक ये फर्स्ट लेवल का रिजल्ट है। ऊपर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, साइकोलॉजी के अंतर्गत 30 में से 13 नंबर, मैथ के अंतर्गत 30 में से 9 नंबर, एनवायरमेंट स्टडी के अंतर्गत 30 में से 8 नंबर, लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत 30 में से 15 नंबर और लैंग्वेज सेकंड में 30 में से 9 नंबर। इस तरीके से टोटल 150 में से 54 नंबर आए हैं इसके। एग्रीगेट यानी कि इसकी परसेंटेज हम बात करें तो 36 इसकी परसेंटेज बनी है। उसके बाद हम आप नीचे आप सेकंड के अंतर्गत अगर आपने दोनों एग्जाम दिए हैं तो आपको दोनों रिजल्ट से होगा, एक एग्जाम दिया है तो आपको एक रिजल्ट से होगा। आपको यहाँ पर सेकेंड में देख सकते हैं 6 से 8 क्लास के लिए, उसमें भी आप यहाँ पर टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी में 17 नंबर, सोशल साइंस सामाजिक ज्ञान में आप 23, लैंग्वेज फर्स्ट में 15 और लैंग्वेज सेकंड में 13। इस तरीके से आप यहां पे टोटल 150 में से 68 नंबर, परसेंटेज आप 45.33 परसेंटेज। उसके बाद आप नीचे यहां पे देख सकते हैं ये दोनों में ये एलिजिबल नहीं हो पाया है। तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट अगर सीटेट के लिए क्वालिफाई करना चाहता है तो उसके 60% यानी कि 60% उसकी होनी चाहिए। 60% का मतलब आपको मैं बता दूँ दोस्तों, ये किसी दूसरे कैंडिडेट का है, मेरे दोनों सीटेट पेपर क्लियर हैं। तो 90 नंबर आपके पास होने चाहिए, 150 में से आपके 90% सही होने चाहिए, तब जाके आप सीटेट जो है क्लियर कर पाएंगे, 60% आपकी बनेगी। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि ST SC OBC के लिए यहाँ पे कुछ छूट यहाँ पे दे रखी है। तो लगभग हम बात करें तो OBC के अंतर्गत 81 या 82 इस तरीके से नंबर अगर आपके हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों, पूर्ण तरीके से आप इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 60% होना चाहिए। आपके OBC में अगर आपके 82 नंबर है तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा।
दोस्तों ये 27/12/2019 को आज ही रिजल्ट आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें। दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल लाइव आके संपूर्ण जानकारी मैं देता हूँ, इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर करें। उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल या घंटे के निशान दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से लेटेस्ट और नई ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में।